लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण के लिए मंगलवार को नामांकन जमा करने का काम समाप्त हो जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र एनडीए में अभी तक सीट बंटवारे का काम पूरा नहीं हो पाया है। आधा दर्जन सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। राज्य में 5 चरण में वोटिंग होनी है तो कहां कहां फंसा है पेच, आइए बताते हैं आपको। महाराष्ट्र में एनडीए जिसमें शिवसेना, शिंदे गुट बी, जेपी और अजीत पवार गुट की एनसीपी शामिल है, इस गठबंधन को राज्य में महायुति नाम दिया गया है, लेकिन महायुति में सीट बंटवारे को लेकर फंसा पेच अभी तक सुलझ नहीं पाया है। दक्षिण मुंबई ठाणे के साथ पालघर की सीट पर खींचतान बची हुई है। इसके अलावा कोकर की रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग सीट, नासिक और औरंगाबाद सीट को लेकर एनडीए में अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। मुंबई में 5वें चरण में वोटिंग होनी है और यहां बीजेपी और शिंदे गुट आमने सामने हैं। दरअसल पालघर की सीट 2019 में शिवसेना ने जीती थी, लेकिन यहां के सांसद राजेंद्र उद्धव ठाकरे के साथ है, इसलिए सीट पर बीजेपी ने अपना दावा ठोक दिया है और शिंदे भी ये सीट बीजेपी को देने को तैयार हो गए हैं, लेकिन वो दक्षिण मुंबई की सीट से अपना दावा हटाने को तैयार नहीं है। शिंदे को एहसास है कि अगर मुंबई में कम सीटें लेंगे तो उसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव और शिवसेना की छवि पर पड़ सकता है, क्योंकि शिवसेना का सबसे मजबूत आधार भी मुंबई में ही माना जाता है। ठाणे सीट भी शिवसेना की सीट है, लेकिन यहां के सांसद राजन बिचारे भी उद्धव के साथ हैं। ऐसे में बीजेपी और शिंदे के बीच ठाणे सीट पर फंसा पेच अभी तक नहीं सुलझ पाया है। शिंदे ठाणे के बदले में रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी वहां से नारायण राणे को मैदान में उतार सकती है। ठकराव नासिक सीट को लेकर भी हुआ है। ऐसे में यहां से एनसीपी के छगन भुजबल चुनाव लड़ना चाहते हैं, और लेकिन बीजेपी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। साफ है कि महाराष्ट्र में बीजेपी अपने सहयोगियों पर जबरदस्त दबाव डाल रही है, जिस कारण से सीट बंटवारे का मामला उलझता ही जा रहा है। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।